आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में संचालित विंध्य अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और झूठ का नतीजा आज बेहद ही गंभीर निकल कर सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने न सिर्फ प्रशासन को गुमराह किया बल्कि अपने स्टाफ को भी गुमराह किया है, जिसके चलते आज अस्पताल के स्टाफ के 9 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारे पास वो मरीज बुखार की कम्प्लेन से आया था, उसको कोई सांस में तकलीफ ऐसा कुछ नहीं था। सर अभी जो एम्बुलेंस वाले का कहना है कि उसको सांस की तकलीफ, आप लोगों ने उसको वेंटिलेटर में रखा था और सांस वेंटिलेटर में नहीं था हमारे यहाँ, सांस की तकलीफ और सर्दी जुकाम थी जिसमें उसको यहाँ भेजा गया था। ठीक है, उसके लिए नहीं भेजा गया उसको जी। हमारे यहाँ बुखार की कंप्लेंट है तो उसका मलेरिया पॉजिटिव टेस्ट है जी, उसकी रिपोर्ट लगी हुई है। हमारे मलेरिया का ट्रीटमेंट चल रहा था उसको और उसका कोई रिलेटिव वहाँ पे था, तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ रिलेटिव है वहाँ ले जाना चाहते हैं, तो पेशेंट लेके चला गया, तो हमने रिफर नहीं किया उसको। तो फिर कोविड-19 की आपने जांच करवाई थी उसकी? हमने नहीं कराई जांच, हमारी तरह हमारे हॉस्पिटल से कोई सैंपल नहीं है। यहाँ से कल शाम को 6 बजे करीब रिफर हुआ, वो रिफर नहीं हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पेशेंट कहाँ रिपोर्ट, रिपोर्ट वहाँ पॉजिटिव नहीं आई है, वहाँ उनको जानकारी मिली है कि पॉजिटिव, तो हाँ उन्होंने अपनी रिपोर्ट बाहर कहीं कराई होगी, उसकी हमको जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ पेशेंट बुखार की कंप्लेन से आया था जी। और बुखार का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, मलेरिया की जांच करी, उसमें मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मलेरिया का हम इलाज कर रहे थे। मरीज ने कहा हमारे जान पहचान वाले हैं जबलपुर या नागपुर में, कहाँ बता रहा था वो, तो बोला हम वहाँ लेके जाना चाहते हैं, वहाँ हमको सुविधा ज़्यादा है। हमने कहा ठीक है, तुम अपना पेशेंट। आपको बता दें कि आज सुबह आई जांच रिपोर्ट में कुल 17 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 9 केस अकेले विंध्या अस्पताल के हैं। शहर के निजी अस्पताल में 9 कोरोना पॉजिटिव केस में अस्पताल के ही डॉक्टर से लेकर स्टाफ के लोग शामिल हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व अस्पताल में एक व्यापारी को भर्ती किया गया था जिन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। भर्ती मरीज में कोरोना के लक्षण थे, लेकिन प्रबंधन ने इस बात की जानकारी न तो प्रशासन को दी और न ही अपने स्टाफ को। मरीज की तबीयत बिगड़ने पर प्रबंधन ने आनन फानन में उसे जबलपुर रेफर कर दिया और इस बात से इनकार करता रहा कि मरीज को कोरोना के लक्षण है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रेफर किए गए मरीज की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने इसके बाद भी प्रशासन को यह जानकारी नहीं दी है कि कोरोना मरीज के संपर्क में कौन कौन लोग आए हुए थे। निजी अस्पताल की इस लापरवाही और सफेद झूठ का नतीजा है कि आज अस्पताल के ही डॉक्टर समेत स्टाफ के 9 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो शहर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। अब देखना यह है कि निजी अस्पताल की इस लापरवाही और झूठ से पर्दा उठने के बाद प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। जबलपुर विंध्या हॉस्पिटल से क्या मामला था, क्या हुआ था? पेशेंट को पहले हम लोग गए तो देखे वगैरह, डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर साहब बताए कि हमने पूछा कि क्या हिस्ट्री है पेशेंट की, तो डॉक्टर साहब बोले कि इसके लेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसको आप तत्काल ले जाइए यहाँ से जबलपुर, या तो नागपुर नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए कि कहीं भी का नाम है इसको इंटीबेट करना पड़ सकता है, पेशेंट को जबलपुर पहुँच जाएगा आराम से का नाम है। तो हमने कहा ठीक है, तो उनके अटेंडर से बात हुई तो बोले जबलपुर हमारा शिफ्ट करवा दीजिए पेशेंट। हमारा दोस्त रहता है हसीन, उसने फ़ोन किया था दुलारी साड़ी में, उन्होंने फ़ोन किया तो हमने गाड़ी भेज दिया था, और ये उन लोगों ने नहीं बताया था कि हमारी कोविड-19 की जांच के लिए हम सैंपलिंग गई हुई है, है ना, तो नहीं तो अपन कहा कि उनको मना कर देते कि पेशेंट को अभी अपना ले जाए जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। अब उन लोग क्या कि छुपा के काम किए, तो पेशेंट ले के गए हम लोग यहाँ से जबलपुर, हमारा ड्राइवर और हमारे डॉक्टर फिर वो जब पहले ले गए वहाँ पे का नाम है मेट्रो हॉस्पिटल की, फिर वो सिटी हॉस्पिटल में का नाम है एम्बुलेंस से उनकी बात हुई थी और डॉक्टर बजाज सर का भी शायद फ़ोन आ गया था, तो बोले कि सिटी हॉस्पिटल ले जाए, सिटी हॉस्पिटल में कोई लिया नहीं, फिर उसके बाद उसको ले गए का नाम है वहाँ पे का नाम है सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज जहाँ कोरोना वालों को रखते हैं। हाँ उसके बाद एक घंटे डेढ़ घंटे गाड़ी में पेशेंट था,
उसके बाद फिर का नाम उसको शिफ्ट करवाया गया, बड़े मुश्किल से स्टाफ आया है वहाँ। आपको कैसे पता चला कि उसको कोरोना है? ये रिपोर्ट आ गई थी रात में ना, जैसे जबलपुर गाड़ी पहुंची ना वैसे रिपोर्ट आ गई थी, डॉक्टर साहब तुरंत का नाम मेरे को बताया। ये बात आपने जब जाते समय विंध्या वालों से पूछी थी क्या कि वो कोरोना पॉजिटिव कोरोना तो नहीं है इसको? क्या नहीं, ये मेरे को मालूम नहीं था कि का नाम उसकी सैंपलिंग कोरोना की जाँच के लिए गई है, ये मालूम नहीं था। डॉक्टर ने बताया? नहीं नहीं, डॉक्टर ने नहीं बताया। डॉक्टर हमारा जब हम गए थे तो उस समय डॉक्टर धर्मेंद्र द्विवेदी सर थे और वहाँ का पूरा नर्सिंग स्टाफ था और पेशेंट था कर्नल डी एस परवल सर के, उसमें एडमिट था। उन्होंने बोला कि ले जाओ। हाँ, इसको बोल जबलपुर। कितने दिन से भाग के थे वहाँ? वो हमारे घर से दो दिन हो था। दो दिन? जी जी। कल लेके गए थे? कल लेके गए थे, शाम को जब पानी गिर रहा था हमारे ख्याल से 5-6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफी खान। ये जो इसको लेके गए थे उनका क्या नाम था? उसका क्या नाम है? छोटे लाल होडवानी। ये नावल्टी वाले किसी का जी है? ठीक।